तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो थंबनेल में तो आप लोग ने देख ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाकी मिलेंगे आगे चल के, अभी फ़िलहाल बस का सफ़र का मज़ा लो। वैसे पहली बार हम बस में जा रहे हैं क्योंकि हमको मतलब ट्रेवल करना था, मतलब देखना था कि बस में कैसा फील आता है। नहीं वैसे तो बाकी पिछले साल तो बाइक से गया था शायद। हाँ, बाइक से ही गया था। और अभी जनवरी में जाना है, आगे जनवरी में जहाँ जाना है लोकेशन में बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, आगे चल के फिर मैं मिलाते हैं। फाइनली चेक कर सकते हो हम लोग, ये पहाड़ हल्के हल्के दिखने लग गए हैं। हम लोग कुछ दूर पे पहुँच चुके हैं, तो ये देख सकते हो आप लोग पहाड़ दिख रहे हैं साइडों में। बाकी ये बारिश की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो गया था, काफ़ी सारे मतलब घर वगैरह तो गिर ही गए थे और लगभग रोड वगैरह एकदम जाम हो गया था। ये देख सकते हो बंद कैसे, ये साइडों में देख सकते हो पहाड़ दिख रहे, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। कोहरा सा धुंध सा घेर रखा है। और चलेंगे आगे, फिर आगे आप लोग को दिखाएंगे कैसा नज़ारा है इधर का। अभी फ़िलहाल इंजॉय करो एंड पहाड़ों पे कितना अच्छा लग रहा है घर। लेकिन यार पहाड़ों पे घर तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि यार पहाड़ों पर से जब पानियाँ स्लिप करती हैं, बारिश होती है जब, तो मिट्टी के साथ घर भी गिर जाते हैं। कई सारे घर गिर भी चुके हैं, ये पीछे बारिश भी आई थी ना, बहुत तगड़ा घर गिर गया था, बहुत तगड़ा मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। बाकी ये देख सकते हो आप लोग, अभी गोल गोल घूम घूम के हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे चढ़ते। एक तरह से हम लोग भी एक पहाड़ पे ही हैं, बट वो हम लोग को महसूस नहीं होगा कि हम लोग पहाड़ पे, खाली हम लोग को कहीं और का पहाड़ नज़र आएगा। लेकिन एक तरह से हम भी पहाड़ पे ही हैं, जो कि कितना प्यारा लग रहा है व्यू देखने में। चेक कर सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो कैसे घर घूर बना रखे हैं। घर है, हाँ घर ही तो है। ये देख सकते हो व्यू पहाड़ के कितने अच्छे लग रहे हैं यार, मेरे को बहुत मज़ा आता है यार घूमने में। नेक्स्ट प्लान ठंडियों में होंगे जब बर्फ़ वगैरह गिरेगा, इस कितना मज़ा आएगा। और फिलहाल अभी चलते हैं आगे, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले ही हैं, कुछ दूर और रह गया है। आगे बोर्ड भी होएगा, बोर्ड दिखा देंगे कितना दूर रह गया। फिलहाल अभी इंजॉय एंड रोड। ये चीज़ चेक करो गाइस, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये चीज़ ये देख सकते हो आप, कितना अच्छा लग रहा है यार देखने में, कितना मज़ा आ रहा है। ये धुंध सी हो रखी है, सुबह सुबह का टाइम है ना, इसलिए धुंध सी दिख रही है। ये देख सकते हो यार कितना मतलब एकदम तीखा निकल रखा है पहाड़। वहाँ पर जाने के लिए कहीं मतलब अजीब सा, क्या ही बोलूँ, जाने के लिए कितने दिन लगेंगे। सिर्फ दिख रहा है कि पास में ये, लेकिन वहाँ जब पैदल चल के जाओगे ना फिर पता लगता है भाई। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी करीब आ चुके हैं पहाड़ के, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सिर्फ घना जंगल ही जंगल दिख रहा है बाकी, और आगे चलते हैं फिर दिखाते हैं आप लोग को बस। तो ये चेक कर सकते हो गाइस, हिमाचल जाने के लिए गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ये उत्तर रेलवे धर्मपुर हिमाचल, ये देख सकते हो लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप लोग पढ़ सकते हैं उनके वीडियो में। तो ये घर वगैरह देख सकते हो कितना प्यारा लग रखे हैं, कैसे बना रखे हैं लोग पहाड़ पे यार, अजीब लगता है मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब यहाँ पे जो रहता है ना उन लोग को तो सही है यार, लेकिन वैसे प्यारा लगता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब दिक्कत भी होती है यार, क्योंकि एक तो पहाड़ पे है ना, चक्कर ये है। लेकिन क्या करोगे यार, भगवान सबका देखते हैं कौन कैसे रहता है कौन कैसे। ये देख सकते हो घर कैसे बनाया, देखो पहाड़ों के बीच में कैसे दब रखा है, ऊपर से मिट्टियाँ वगैरह घिसती हैं ना इन सड़क के, फिर वो सीधा मतलब घर पे ही आते हैं। बाकी चलते हैं आगे फिर दिखा। तो ये चेक कर सकते हैं पहाड़ों के बीच में कितना अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा, मतलब ये एक तरह से पहाड़ पे ही हम लोग वो दिख रहा है ना, वो दूसरे पहाड़ को हम लोग देख रहे हैं इस टाइम पे। बाकी ये पहाड़ों के बीच बीच में वो घना घना जंगल सा है, अब ऐसे ही गोल गोल घूम घूम के पहाड़ों के बीच में से जाएंगे आगे। बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम लोग, कुछ दूर और रह गया, आगे चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये चेक करो गाइस पहाड़ों में कैसे घर दिख रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, जूम करके दिखाता हूँ आप लोग। ये देखो कैसे दिख रहे हैं पहाड़ों में घर, कैसे बन रखे हैं ना, दूर से देखने में कैसे लग रखा है, लेकिन रात में बहुत अच्छा लगता है देखने में, लाइट सी जलती है ना
पहाड़ों के बीच में लाइट जलती है। बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये चीज़ चेक करो गाइस, ये बादल से भी दिख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे को यार, काफ़ी मज़ा आया ये चीज़ देख के मेरे को। मतलब बादल के हम लोग करीब है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग बादल के जस्ट एकदम करीब ही है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ही जस्ट दिख रहा है बादल। और बाकी ये देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है व्यू। बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं, यहाँ चेक करो गाइस कितने सारे घर पहाड़ों में, ये देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे दिख। चेक करो गाइस ब्रिज आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप लोग, तो ये मेन हाईवे पे ट्रांसफ़र होता है ये वाला जो ब्रिज है यहाँ पे। बाकी आगे काम वगैरह चल रहे हैं इसलिए स्लो डाउन करके जा रही है हमारी लोग बस, ये देख सकते हो यहाँ पे ये जेसीबी एक जा रही है। बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोग को। तो फाइनली कुछ दूर पे जाने के बाद हमारे लोग का बोर्ड आ चुका है, ये देख सकते हो आप लोग ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मुझे दो ही नज़र आया बाकी तो दिखा नहीं मेरे को, ये देख सकते हो आप लोग को फोटो दिखा दे रहा हूँ। सोलन और शिमला, सोलन 7 किलोमीटर और शिमला 53 किलोमीटर है। बाकी चलते हैं, ये चेक करो गाइस, ये देख सकते हो पहाड़ों पे देखो कैसे घर बन रखे हैं, देखो बिल्डिंगें खड़ी है देख सकते हो। और चलते हैं आगे फिर दिखाते हैं आप लोग को, ये पहाड़ देख सकते हो कितना ऊंचा पहाड़ लग रहा है ये वाला, भाई साहब क्या ही लग रहा है। बाकी चलते हैं आगे फिर दिखाते हैं आप लोग को। गाइस हम सोलन बाईपास आ चुके हैं और ये फिलहाल अभी चलो उस साइड पे बताते हैं। तो फाइनली गाइस और आगे चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं फिर इसके बाद मिलते हैं। गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ खाने होने के लिए जा रहे हैं अभी फिलहाल, खाते होते हैं पहुँचने वाले हैं। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर से देखने में, ये चेक कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, बाकी ये फ्लावर्स लग रखे हैं यहाँ पे। नीचे चलते हैं उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को, मिलते हैं नीचे। गाइस हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं, ये देख सकते हो जंगल जंगल करके, और इधर ट्रेन की पटरी भी है इधर, ये देख सकते हो आप लोग। बाकी उधर पहुँचते हैं इसके बाद दिखाते हैं आप लोग, ट्रेन की पटरी पे आ चुके हैं हम लोग। इधर देख सकते हो कितनी पटरी छोटी है यहाँ पे यार, ये देख सकते हो पता नहीं ट्रेन आ भी रही कि नहीं आ रही है, बाकी कितनी छोटी पटरी है यार, देख सकते हो मेरे पैर के हिसाब से ही देख सकते हो यहाँ पे। बाकी ये देखो भाई साहब टनल आ गया, टनल के अब अंदर से जाना पड़ेगा, ये देखो अरे हाँ आ रही है डबल आवाज। भाई चलते चलते हम स्टेशन आ चुके हैं, ये रहा सोलन का स्टेशन, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है भाई, और मिलते हैं चलते हैं आगे फिर दिखाते थोड़ा आगे की लोकेशन। पकड़ पकड़ के हम कुछ ऐसा इलाका में आ चुके हैं, ये देख सकते हो सोलन स्टेशन के बाद ये एक और टर्मिनल आया था, बाकी चलते हैं आगे फिर दिखाते हैं आप लोग। तो भाई गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, जो कि ये कौन सा मार्केट हमको पता नहीं, लेकिन घूमते घूमते आ रहे हैं, बाकी आगे चलते हैं उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, थोड़ी दूर और है, बाकी चलते हैं आगे फिर उसके बाद मिलाते हैं। कुछ हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं हम लोग राम दरबार आ चुके हैं अपने घर, मतलब अब ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाना वाना तो हमने खा ही लिया था पीछे, बाकी चलते हैं और एक मंदिर है चलते हैं। हम पौड़ियों के सारे जा रहे हैं, ये देखो मंदिर है सामने दिख रहा है, पौड़ी का मंदिर है देखो यहाँ सामने दिख ही रहा होगा ये, और क्लोज जाने के बाद ये पौड़ी चढ़ने के बाद दिखाते हैं आप लोग को। बुरा हाल हो गया चढ़ते चढ़ते पौड़ियाँ, ये देख सकते हो आप लोग अभी और भी आगे ऊपर है भाई, चढ़ते हैं फिर जाते हैं, पीछे तो देखने का मन ही नहीं कर रहा, चलते जाओ ऊपर बस, खाली चलते जाओ भाई। बाकी इधर पहाड़ पूरा भी व्यू अच्छी वगैरह आ रही है, बाकी सांसें फूल रही, देख सकते हो आप लोग थक चुके हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हो गणेश जी की ये सामने मूर्ति भी है, उधर से मेरे ख्याल एंट्री भी है, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है, बाकी चलते हैं और अंदर दिखाते हैं फिर आपको। तो कितना प्यारा लग रहा है ये मंदिर, बाकी और आगे चलते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं कितनी अच्छी कलाएं हैं, ये देख सकते हो मैं मोहिनी माता जो भी हैं ये सारे मांग रहे हैं, और ये शिव जी का है, गणेश जी का है, कार्तिक जी है, फोटो यहाँ पे देख सकते हो लग रखा है मूर्ति। बाकी ये एंट्री गेट है, इधर से आगे
आगे चलते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं। नीचे खाइए, यहाँ से गिरे तो फिर मिलेगी भी नहीं, पता नहीं तुम्हारी कुछ भी नहीं मिलेगी, इसीलिए आगे चलते उसके बाद दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा है भैया देखने में। भाई मैंने तो फोटो में देखा था जब ही तुम्हें यहाँ घूमने आया, इतना प्यारा लग रखा है यार। आओ सामने चलते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं। लोग पहुँच चुके हैं, ये मंदिर देख सकते हो आप लोग यहाँ से, ये देख सकते हो खतरनाक मंदिर क्या ही लग रहा है ये देखो। कितना अच्छा लग रहा है ये मंदिर। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, घूमते हैं और फोटोज वगैरह शूट करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ का जो भोजन होता है भोजनालय तो यहाँ है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग काफ़ी यहाँ पे जलेबी वाली मेरे को कढ़ाई लग रही है, जलेबी वगैरह बनानी होती है, जो बनता है वो खाना वगैरह की बर्तन वगैरह यहाँ रखते हैं, देख सकते हो। बाकी मंदिर है, उसके बाद चलते हैं फिर। फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं, अब जा रहे हैं शूज़ वगैरह पहनते, उसके बाद जाते हैं नीचे, फिर नीचे मिलते हैं कहीं और। फाइनली हम लोग नीचे उतर रहे हैं पौड़ी, जिस पौड़ी से आए मतलब जिस सीढ़ियों से आए थे उस सीढ़ी उतर के जा रहे हैं नीचे। बाकी मेरे ख्याल ये कुआँ है क्या, इधर देखना कुआँ भी है, ये देख सकते हो आप लोग, ये कुआँ है मेरे ख्याल, उधर कुआँ है। तो इधर आसपास में भी कोई नहीं है, दोस्त था वो नीचे चला गया पहले ही, हम ऐसे ही पीछे से आ रहे थे, तो अब चलते हैं। घूमते घूमते आज हम मेले में आ चुके हैं, ये देख सकते हो यहाँ कहीं गोरे बाहे फिर से। कितना यार कितना घूमेंगे, इधर मेला दिख गया तो मेले में घूमने जा रहे हैं, आगे स्कूल के स्टूडेंट जा रहे हैं यहाँ पे, और भाई से हम भेलपुरी बनवा रहे हैं, ये देख सकते हो बना रहे हैं हमारा भाई। कितने रुपए का भेलपुरी है भाई? 20 रुपीज़, ओनली 20। नगर निगम सोलन ही प्रो लिखा हुआ है बोर्ड पे, मेला आ गया। ये कुछ ऐसा नज़ारा इधर का, सामान वगैरह इधर साइडों में लग रखे हैं, दिख रहा है देख सकते हो। ये देख सकते हो शेर मतलब मूर्ति है शेर की, और ये हाथी का मूर्ति है, बुद्ध देव की है। बाकी पार्क वगैरह मुझे लगाते हैं, चर्च काफ़ी सामान है इधर, बिक रही है ये देख सकते हो आप लोग। फाइनली इधर शॉपिंग मॉल है, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे पूरा शॉपिंग करने का एरिया है, सामान वगैरह। ओनली 200 भाई, 150 रुपये भाई साहब, सेल लगी है भाई। ओ यार यार ये कितनी औसम है यार, मेले में तो खाली सेल चल रही है भाई साहब, 150 रुपये, 200 रुपये भाई साहब। लेना कुछ नहीं है, बस घूमते रहो खाली, उधर सामान दिखाते रहो आप लोगों को, जो लेना है ले लेंगे भाई, दिखा देंगे अगर लेना होगा तो। भाई ड्राई फ्रूट आ गए, हर किस्म के ड्राई फ्रूट रख सकते भाई हमारे। तो फाइनली हम लोग घूम चुके हैं, अब जा रहे हैं घर, चलते हैं आगे। वीडियो करते हैं बैंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए